अब बात करेंगे हांसी से बड़ी खबर की, जहां पर बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। 5 बिजली कर्मचारियों और 2 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया। बिजली विभाग को लाइन लॉस की शिकायत मिल रही थी। सीसर गांव के लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। जब टीम गांव में पहुंची, बेवजह परेशान कर रहे हैं बिजली कर्मचारी, ये ग्रामीणों का आरोप है। और कर्मचारियों के पास छापा मारने के आदेश भी नहीं थे, ये भी ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, उनके पास छापा मारने के आदेश भी नहीं थे और बेवजह ग्रामीणों को परेशान किया गया, ये ग्रामीणों की ओर से कहा गया है। और इसी वजह से बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। संदीप सैनी जुड़ गए संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। संदीप, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, ये सीसर गांव का ये मामला है। आज सुबह बिजली विभाग की टीम गांव में पहुंची थी, उन्हें जो शिकायत मिल रही थी कि गांव में लाइन लॉस है, इसको लेकर छापेमारी की गई थी। तो कुछ ही घरों में उन्होंने एंट्री की, तो उसके बाद गांव वाले हुए और जो टीम के 5 सदस्य थे बिजली विभाग के, वो और 2 पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, उनको सभी को बंधक बना लिया गया। और जो ग्रामीणों ने उनसे पूछा कि उनके पास कोई लिखित में आदेश है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके पास कोई लिखित में आदेश नहीं है। एसडीओ हैं, वो उन्हें भेजते हैं कि जिस भी गांव में लाइन लॉस की शिकायतें मिलती है वहां उन्हें जाना पड़ता है। तो उसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए, करीबन 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाया गया। उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे, SHO पहुंचे बात थाना के, तो उन्होंने जाके ग्रामीणों को समझाया, तो उसके बाद उनको छोड़ा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे।